Hello friends, how are you? A very good afternoon to everyone. Just make me sure I'm audible. आवाज आ रही है सबको? चलो, द क्लास दैट आई वुड बी टेकिंग अप राइट नाउ इज फोकस्ड अपॉन द करंट अफेयर्स ऑफ द मंथ ऑफ मार्च. इसमें एनवायरनमेंट और कुछ ज्योग्राफी वाले पोर्शन का भी जो मार्च के मंथ में न्यूज में था, हम उसको करने की कोशिश करेंगे. प्रिलिम्स जो जो स्टूडेंट्स इस साल पेपर दे रहे हैं और जो नेक्स्ट ईयर भी पेपर देंगे, एक से डेढ़ साल का करंट अफेयर आपको करना ही पड़ता है. नेक्स्ट ईयर पेपर डिले नहीं होगा, ये लेके मत चलो कि डिले, इस साल दो साल से हो रहा है तो ये साल भी हो जाएगा, वैसे नहीं होगा. आप लेके चलो कि जनवरी 2021 से लेके आपको मई या अप्रैल, जैसे भी आपका एग्ज़ाम होगा, डेढ़ साल के करंट अफेयर अप्रॉक्सीमेटली 16-17 मिनट करने होते हैं. उसके कंटेक्स्ट में ही दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट. विकी जो ये वाले है ना, इसको अपलोड कर दो, गूगल ड्राइव पे कर देना, और यहाँ पे भी अटैचमेंट पे लगा दो नोट्स को, दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों लगा देना. एंड ठीक है, वो बोल दिया गया है आदित्य, तो वो हो जाएगा. ठीक है, हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन. तो उसके कंटेक्स्ट में ही है कि डेढ़ साल का करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है. जो बच्चे इसी साल पेपर देंगे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो नेक्स्ट ईयर पेपर देंगे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है. इन दैट केस फर्स्टली, सेकेंडली, अलॉन्ग विद दिस करंट अफेयर जो हम अभी स्टार्ट करेंगे, अ गुड अनाउंसमेंट इज बेसिकली टू बी मेड बेसिकली इन द रिगार्ड की आंसर राइटिंग प्रोग्राम हम अलग अलग स्टार्ट कर रहे हैं. द आंसर राइटिंग प्रोग्राम वी आर स्टार्टिंग फॉर हिस्ट्री एज एन ऑप्शनल, तो वो तो मैं ही लेने वाला हूँ. स्टूडेंट्स कैन एनरोल, 20th से है. आज शाम को 4 बजे इसका प्रॉपर शेड्यूल आपको डिस्कश, कैसे कैसे क्लासेस होगी, कौन से दिन क्लास होगी, कौन सा टॉपिक होगा, दैट हैज़ बिन प्रिपेयर्ड बाई मी. डेली 1 to 2 क्वेश्चंस वुड बी टेकन अप आपको. तो अप्रॉक्सीमेटली 50 क्लासेस का शेड्यूल बनाया गया है. टॉप जो भी आपको वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, वो पूरे का पूरा एक कैसे मॉडल आंसर लिखना है, वो आपको कम्प्लीटली बताया जाएगा. हिस्ट्री के साथ हम ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस वाला भी प्लान हो चुका है, जैसे आपको पहले बताया था. दीज आर द ज्योग्राफी आंसर राइटिंग कम क्रैश कोर्स, सेम इज फॉर पॉलिटिकल साइंस ऑल्सो, वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग दिस थिंग. तब जो जो आपको ऑप्शनल है जिसमें आप इनरोल होना चाहते हो, आप इनरोल कर सकते हो. इसके साथ ही आंसर राइटिंग का भी है, आंसर राइटिंग का भी मैं खुद ही लेने वाला हूँ. तो वो अब जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं. अभी तक अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं, तो टोटल 50 स्टूडेंट्स ही हम लेंगे इस बैच के लिए. कल रात से लेके आज यानी कि आफ्टरनून तक, क्लास रूम तक काफ़ी स्टूडेंट्स ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं, कुछ हिस्ट्री वाले बैच के लिए और कुछ फॉर एग्जांपल जीएस वाले बैचेस के लिए. जो स्टूडेंट्स इनरोल होना चाहते हैं वो डेफिनेटली मुलुक का इस पर कॉल करके अपने आप को इनरोल कर सकते हैं. एंड नाउ वी वुड बी स्टार्टिंग ऑफ विद करंट अफेयर. ये मार्च वाले मंथ का करंट अफेयर है, इंपॉर्टेंट है प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के कंटेक्स्ट में. फर्स्ट इज राजस्थान प्रोटेक्टेड एरिया. राजस्थान में कौन कौन से एरियाज प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जैसे रणथंभौर टाइगर सेंचुरी होगा, सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ पे है, अलवर वाले रीजन में, डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पे है, जैसलमेर में, कौलदियोगाना नेशनल पार्क कहाँ पे है, भरतपुर है वहाँ पे, सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, उदयपुर, नेशनल चंबल सेंचुरी आपको वहाँ पे. आपको मैट द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है कौन सा कहाँ पे है डायरेक्टली राजस्थान में, या बच्चों दीज आर प्रोटेक्टेड पूछ सकते हैं, या कौन सा कहाँ पे है, दैट कैन बी आस्ट. आपको मैट द फॉलोइंग वो कंपेरेटिवली पता होना चाहिए, पहली बात. दूसरी बात, नॉट ओनली दिस, टाइगर रिजर्व्स के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत एडिशनल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. 51 टाइगर रिजर्व्स है हिंदी इंडिया की जब बात करते हैं. बांदीपुर टाइगर रिजर्व दैट इज देयर इन कर्नाटका इज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व. जो बांदीपुर में टाइगर रिजर्व है वो कंपेरेटिवली फर्स्ट टाइगर रिजर्व है. हिंदी साहित्य के अध्यापक नहीं, आपके पास कितनी खराब बात है. अरे सर्वेश, चलो एज अ ब्रदर मैं तुम्हें एक बात बताने की कोशिश करता हूँ. हाँ, सोशोलॉजी भी करेंगे, हिंदी लिटरेचर भी करेंगे, पंजाबी लिटरेचर भी करेंगे. सर्वेश, नॉर्मली एज अ बात, एज अ यहाँ से मैं आपको एज अ ब्रदर, जब आप इंटरव्यू में जाओगे ना तो इस बात को करने का तरीका मैं बताता हूँ. सर, अगर इसको दूसरे अच्छे तरीके से पूछा जाए यही बात को,
हिंदी साहित्य आपके पास कौन पढ़ाएगा? अगर हमारे पास होगा तो मैं बोल दूंगा ये पढ़ाएगा, अगर नहीं होगा तो मैं बोल दूंगा ये हमारे पास नहीं है, ठीक है। लेकिन एक होता बात करने का तरीका, बात करने से तरीके से आपकी अपनी मेंटल सेटअप का एक स्थिति पता लग जाती है कि किस तरीके से आप अपने दोस्तों के साथ या और किसी आगे पीछे के साथ बात करती होगी। तो हमेशा एक बात करने का एक तरीका होता है, एक लहजा होता है, जितनी जल्दी उसमें सीख जाओगे, बिकॉज इसको मेंस में भी आपके आगे आ जाएगा, ऐसे में आगे आ जाएगा, इंटरव्यू में तो बोला ही लेंगे। देयरफॉर आपको एक पॉजिटिव आउटलुक है दुनिया जिंदगी के लिए या एक नेगेटिव आउटलुक है, तो ये हमारी, मैं टॉन्ट नहीं मार रहा, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज एन एजुकेटर कि मैं आपको कंपेटिटिव इस बात को समझाने की कोशिश करूं कि बात करने का एक लहजा, एक तरीका क्या होता है। तो ये ऐसी बातें करोगे तो टोटली आपको ऐसा लगता है आई डू नॉट नो यू, आप हो सकता है मेरे को जानते हैं बाय द क्लासेस, आई डू नॉट नो यू, लेकिन जो पहला आपका जो जाता है पॉइंट ऑफ व्यू, लगता है ये कितना नेगेटिव बंदा है, ठीक है। ऐसे लोगों के कंटेक्स्ट करो तो बहुत ध्यान से करो। पहला पूछा डायरेक्टली सीधा क्वेश्चन पूछेगा, बिकॉज दिस इज प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू टू द पॉइंट, करंट अफेयर हम कर रहे हैं। इंडिया में कितने टाइगर्स अब हैं? 51। सबसे पहला कौन सा है? बांदीपुर। कहां पे है? बांदीपुर कर्नाटका में, श्री विल्लुपुत्तूर मेगामलाई टाइगर रिजर्व इन तमिलनाडु। लेटेस्ट 51st कहां पे है? तमिलनाडु में है, कंपेरेटिवली वो आपको पता होना चाहिए। नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, यह है सबसे लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व। कौन सा है? इट इज नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व, दैट इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल दैट हैज टू बी देयर। तो आपको पहला कितने हैं, पहला कौन सा है, लेटेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा है, ये भी कंपेटिटिव इसी को आपको बता दिया। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट रिहैब। इसके अंडर होता क्या कि बहुत बार आफरीन आप कुछ कॉल कर लीजिए मेरे को 7:30 के अराउंड, तो आप उस टाइम पे कॉल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। प्रोजेक्ट रिहैब बेसिकली बहुत बार क्या होता है कि एनिमल और एलिफेंट्स के कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। जब आपने बहुत बार, कई बार शायद न्यूज में भी सुना हो कि एलिफेंट रेलवे लाइन को क्रॉस कर रहा था और वहां पे कंपेरेटिवली एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन पलट गई, या वट एवर मे बी द केस, एनिमल फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट्स की डेथ होगी। इस कन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए, ताकि ऐसे इनसे ह्यूमन एंड एनिमल कन्फ्लिक्ट ना हो, उसके लिए बेसिकली प्रोजेक्ट रिहैब चलाया गया है, रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बीज। किसने किया? केवीआईसी ने शुरू किया है। केम टू क्रिएट बी फेंसेस, जैसे मधुमक्खी के टाइप से होते हैं, उसके फेंसेस बाड़ बना दी जाएगी, ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट को कंपेरेटिवली रोका जा सके। Why? Because जहां पे मधुमक्खियां होंगी, जैसे यहां पे कुछ लोग रह रहे हैं, इसके आले दुआले की चार दीवारी में क्या करेंगे, एक बी मधुमक्खी की बाड़ टाइप सी लगा देंगे, बिकॉज उसकी साउंड से एलिफेंट्स वहां पे नहीं आएंगे, अपना रास्ता डाइवर्ट कर जाएंगे। उसके लिए प्रोजेक्ट रिहैब हैज बीन एस्टेब्लिश्ड, लॉन्च्ड फॉर प्लेसेस लोकेटेड कहां पे है, नगर होल नेशनल पार्क के आसपास, उसकी पेरिफेरी में जो वहां पे है, उसको कंटेक्स्ट में हेल्प करने के लिए, तक एनिमल ह्यूमन कंफ्लिक्ट ना हो, वहां पे बीज का सहारा मधुमक्खी की बाड़ की तरह बना दिया जाएगा। इसके लिए कौन सा प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट रिहैब। रिसेंटली किसके लिए चलाई गई है? नगर होल नेशनल पार्क जो है कहां पे है? इट इज लोकेटेड इन कर्नाटका रीजन। गुड आफ्टरनून। हाँ यार, बिजली गिरी, मैंने भी देखा न्यूज में बिजली की, जो 18 एलिफेंट्स की डेथ होगी, प्रॉब्लम। हिमालयन सरो, इट इज बेसिकली अ मैमल बिटवीन गोट एंड एंटीलॉप के बीच में है। कहाँ पे मिलता है? वेस्टर्न हिमालय में, ईस्टर्न और सेंट्रल हिमालय में। कितनी हाइट पे? 2000 से लेके 4000 तक मीटर अबव द सी लेवल। इट इज नॉट इन द ट्रांस हिमालयन रीजन में, कंपेरेटिवली आपको देखने को नहीं मिलता। अगर IUCN कैटेगरी की बात करते हैं, इट इज बेसिकली कैटेगराइज्ड एज वल्नरेबल। इसको IUCN कैटेगरी में वल्नरेबल का स्टेटस कंपेरेटिवली दिया गया है। न्यूज में क्यों था? बिकॉज इट वॉज रिसेंटली स्पॉटेड इन मानस टाइगर रिजर्व, और मानस टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? इट इज बेसिकली लोकेटेड इन असम रीजन। ये भी आपको कंपेरेटिवली पता होना चाहिए। मानस नेशनल पार्क के कंटेक्स्ट में थोड़ा और पढ़ते हैं। असम में, जैसे अभी आपको बताया था, रिवर संको इन वेस्ट टू रिवर धनसरी इन द ईस्ट कहां पे है? अगर वेस्ट में कौन सी रिवर है? रिवर संकोश,
और ईस्ट में कौन सी रिवर है, रिवर धनसिरी। यहाँ से कंपेरेटिवली आपको इसका पूरे का पूरा एक्सटेंड है, यहाँ पे कंपेरेटिवली आप कैसा है आप पता लग जाता कि इसका एक्सटेंड कहाँ पे है, कौन कौन सी रिवर कहाँ पे फ्लो कर रही है, पहला पॉइंट। दूसरा, नॉट ओनली दिस रिवर, मानस इज ऑल्सो फ्लोइंग इन टू इट, इसमें से बहती है। इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर कब किया था, 1973 में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको बना दिया गया था कब, 1985 में। बायोस्फीयर रिजर्व का स्टेटस कब मिला था इसको, 1989 में। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, एक तो बहुत बार यूपीएससी में या स्टेट एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, पहली बात। यूपीएससी में खास करके पूछा जाता है कि इसमें से कोई रिवर फ्लो करती है कि नहीं करती, बहती है कि नहीं बहती। तीसरा, ये वाली जो तीन चीज है इसके कंटेक्स्ट में आपको पूछा जा सकता है, मैच द फॉलोइंग, कब इसको टाइगर रिजर्व किया था अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब इसको माना गया था, बायोस्फीयर रिजर्व इसको कंपेरेटिवली कब माना गया था, इसके कंटेक्स्ट में आपको ये चीज बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। इट इज द ओनली लैंडस्केप, यहाँ पे टेराई ग्रास लैंड मर्ज विद द बब्बर ग्रास लैंड, जैसे अगर अलग अलग ग्रास है, तराई है, बब्बर है, ग्रासलैंड्स है, उसकी तरह किटा मर्ज इकट्ठे हो जाते हैं दोनों एक जगह पे, तो वहां पे कंपेरेटिवली ये यहाँ पे पाई जाती है मानस नेशनल पार्क में। नेक्स्ट इज वेल शार्क, व्हाट इज वेल शार्क दैट इज, हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन, फोटो भी देख सकते हो। इट इज अ फीडर शार्क, बेसिकली डज नॉट, आई एम सेइंग डज नॉट ईट मीट लाइक अदर शार्क्स, जैसे दूसरी शार्क्स मीट खाती हैं ये बेसिकली मीट नहीं खाती। फिल्टर फीडर शार्क के कंटेक्स्ट में इसको बोला जाता है, जैसे यहाँ पे आप बिंदी यहाँ से भी देख सकते हैं। फीड्स ऑन टाइनी प्लैंकटन, छोटे छोटे जो प्लैंकटन होती हैं उसको ही खाती है। IUCN स्टेटस की जब बात करते हैं तो एंडेंजर्ड है इसका, साइट्स में अपेंडिक्स 2 में इसको लिस्ट किया गया है। आगे वाले आज ही क्लास में साइट्स में अपेंडिक्स 1 में क्या है, 2 में क्या है, एक्सेट्रा, ये भी आपके लिए हमने इंक्लूड कर दिया है बेस के अंदर रिगार्ड। एक बुक नहीं है विक्रम, मल्टीपल अलग अलग जगह पे कुछ कुछ दिया हुआ, इसलिए। जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं तो शेड्यूल 1 में है। इट इज फाउंड इन ऑल द ट्रॉपिकल ओशन ऑफ द वर्ल्ड, जितने भी ट्रॉपिकल ओशन है वहां पे वेल शार्क आपको देखने को मिलती है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या गोडावन की बात करते हैं, इट इज द हैवीएस्ट, देखो इसको, हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज्यादा फॉर एग्जाम्पल भारी उड़ने वाला पक्षियों में से एक है ये। कहाँ पे मिलता है आपको, ड्राई ग्रासलैंड्स में देखने को मिलेगा और स्क्रब लैंड में, जहाँ पे फॉर एग्जांपल ड्राई ग्रासलैंड है थोड़े से वहाँ पे कांटे टाइप सा स्क्रब लैंड है वहाँ पे देखने को मिलेगा। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फॉर एग्जांपल के लिए स्थानिक है, मतलब यहाँ पे इंडिजिनस है, यहीं पे कंपेरेटिवली पाया जाता है, पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग जगह पे आपको मिलेगा। जब इंडिया की बात करते हैं तो कौन कौन सी स्टेट में पाया जाता है, देख ध्यान दो, इसको मेजरली ये राजस्थान और गुजरात में पाया जाता है, मेजरली ज्यादातर ये राजस्थान और गुजरात वाले रीजन में पाया जाता है, पर इसके साथ ही साथ महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है। IUCN कैटेगरी के अंदर क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 1 में दिया हुआ है और शेड्यूल्ड 1 में है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो पूछा जाता है। इज इट क्लियर एवरी वन टिल नाउ, हिंदू पूरे धर्म से पढ़ ली, देखो हम भी हिंदू से, इंडियन एक्सप्रेस से और आगे पीछे से करवाते हैं, टोटली करंट अफेयर में ये वाला वहीं से करवाया जाता है। ये पढ़ने का तरीका होता भी कहाँ से आपको क्या मिल जाता है, तो उसके कंटेक्स्ट में इस थोड़ा सा एक्सपीरियंस वहाँ पे मैटर करता है, उस एक्सपीरियंस से थोड़ा सा आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। इज इट क्लियर टिल नाउ, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज प्लेटिपस, बतख जैसा नाक किसे पशु होता है, डक बिल्ड मैमल होगा लेकिन डक बिल्ड है। इट इज द ओनली एनिमल इन द वर्ल्ड जिसके पास बीक भी है
फर भी है और वेब वेब की तरह इसके कंपैटिबली आपको पैर भी हो देखने को मिलते हैं. ओनली मैमल वर्ड दैट हैज बीन देयर. इट इज एंडेमिक टू ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया रीजन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कहाँ पे है स्थानीय, कहाँ के है? ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया रीजन है, पूरे ऑस्ट्रेलिया में ये स्थानिक है. कैटेगराइज क्या किया जाता है? नियर थ्रेटन्ड इसका कैटेगराइज किया गया है. अलग अलग जब आप पढ़ते हो किसको नियर थ्रेटन्ड बोलते हैं, किसको फॉर एंडेंजर्ड बोलते हैं, किसको फॉर एग्जाम्पल क्रिटिकली एंडेंजर्ड बोलते हैं, जो आपको कोई भी एक रेंडम एनवायरमेंट की बुक से वहाँ पर मिल जाएगा. हाँ, फॉरगेट हो जाता है तो फिर मल्टीपल रिविजन्स. नाउ देयर इज अ रीकैटेगराइजेशन ऑफ द अफ्रीकन एलिफेंट्स that has been there. कहाँ forest elephants कहाँ आकर होते हैं? In the tropical forest of Central Africa and also अलग अलग West Africa के कई regions में आपको comparatively ये देखने को मिलता है. Savanna elephants, savanna grasslands भी होते हैं वहाँ पे, deserts भी वहाँ पे है. They prefer open country, मतलब खुला area को prefer करते हैं savanna elephants वहाँ पे. And found in a variety of habitats in sub-Saharan region में, या grassland वाले region में जहाँ पे grassland थोड़ा बहुत होता है, जहाँ पे desert वाला region है, savanna वाला region, वहाँ पे आपको comparatively ये आपको savanna elephants देखने को मिल जाएंगे. एशिया और अफ्रीकन एलिफेंट में आपको फर्क पता होना चाहिए. पहली बात, एशियन एलिफेंट इंडिया में जो फाउंड होते हैं, इट्स साइज एंड ईयर्स आर स्मॉलर देन द अफ्रीकन. ऐसे क्वेश्चन कैसे आते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर कंपैरेटिवली करेक्ट? IUCN में कौन सा सिंस में शामिल लिया? सूर्य सिंह, समझ नहीं आया क्या पूछ रहे हो. ऐसे क्वेश्चन बहुत यूपीएससी में आते हैं यार, बहुत ज्यादा. इंडिया का एलिफेंट है, साइज और ईयर्स छोटे होते हैं अफ्रीकन एलिफेंट के. ओनली सम मेल एशियन एलिफेंट्स हैव टस्क, दांत होते हैं, बट बोथ टूथ एंड बोथ मेल एंड फीमेल अफ्रीकन एलिफेंट दोनों के दोनों टस्क. इंडिया में सिर्फ मेल एलिफेंट एशियन एलिफेंट्स में टस्क जो दांत से होते हैं वो देखने मिलते हैं, कुछ कुछ सभी में नहीं. बट जब अफ्रीकन एलिफेंट्स की बात करते हैं, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, दोनों की कंपेटिटिव देखने को मिलती है. साइज बड़ा होता है अफ्रीका वालों का, कान भी बड़े होते हैं अफ्रीका वालों के. एशियन एलिफेंट्स हैव थ्री सब स्पीशीज, इंडिया, श्रीलंका और सुमात्रा, तीन सब स्पीशीज देखें. एशियन एलिफेंट इज कैटेगराइज एज वल्नरेबल, हम इसको कैटेगराइज करते हैं अंडर द IUCN कैटेगरी की कैटेगरी. न्यूज में क्यों था? बिकॉज रिसेंटली IUCN हैज कैटेगराइज सवाना एलिफेंट एज एंडेंजर्ड एंड मच स्मॉलर लाइटर फॉरेस्ट एज क्रिटिकली लाइटर फॉरेस्ट एलिफेंट है उसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड किया गया. एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में सवाना वाले को एंडेंजर्ड है, और यहाँ पे लाइट फॉरेस्ट एलिफेंट है, यहाँ पे कम फॉरेस्ट है, स्मॉलर एलिफेंट्स है, उनको क्रिटिकली एंडेंजर की कैटेगरी में कंपेटिटिव रखा गया है. मैंने बोला था कि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, डिफरेंसेस बिटवीन एशियन एंड अफ्रीकन एलिफेंट्स ऐसे कुछ. सी बकथॉर्न एक बेसिकली श्रब सा होता है दैट प्रोड्यूसेस एन ऑरेंज येलो कलर्ड एडिबल बेरी. बेरीज जैसे छोटी छोटी बेरीज होती हैं, ऑरेंज कलर की होती है, बस उनको सी बकथॉर्न्स बोलते हैं. ऑरेंज येलो कलर्ड एडिबल बेरी प्रोड्यूस करता है, कैसा श्रब होता है. इंडिया दे आर फाउंड अबव द ट्री लाइन इन द हिमालयन रीजन, जनरली इन द ड्राई एरिया सच एज कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख एंड स्पिति वाले रीजन में आपको ये बेरीज एडिबल बेरीज खा सकते हैं, आप इसको देखने को मिलती है. यूज मेडिसन जो ट्रेडिशनल मेडिसन है, रिवायती तौर के ऊपर जो मेडिसन है उसको औषधि को इसको यूज किया जाता है. हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है टू स्टार्ट प्लांटिंग देम द सी बकथॉर्न इन द रीसेंट कोल्ड डेजर्ट. आपको पूछा जा सकता है कहाँ पे पाया जाता है, मेडिसिन के यूज होता है कि नहीं होता, या ये क्या है सी बकथॉर्न? बेसिकली एक बेरीज टाइप सा होता है जिसका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है, और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट करने के लिए इसको प्रमोट कर रही है. इज इट क्लियर टू एवरी वन? कि राहुल को बोना पानी दे देगा, गर्म दे देगा. आगे मूव करते हैं. नेक्स्ट इज बार हेडेड गीज.
कहाँ पे पाया जाता है? इट्स बेसिकली सेंट्रल टू चाइना और मंगोलिया, IUCN कैटेगरी में लीस्ट कंसर्नड है, इंडिया को आते हैं एंड रिटर्न होम बाय क्रॉसिंग द हिमालयन रेंज, बार हेडेड गीज वो आते हैं और कंपेयर टू रिटर्न हो जाते हैं, इंडिया के लिए एक माइग्रेटरी स्पीशीज की तरह ये काम करते हैं। ट्यूलिप गार्डन आपको पता होना चाहिए बस कहाँ पे है, लोकेशन इज इम्पॉर्टेंट, या इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीलंका में है, एशिया का जो लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है आप वहाँ पे कंपेरेटिवली इसको पता होना चाहिए कहाँ पे सिचुएटेड है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट है, श्रीनगर में है या कहीं और दिया जा सकता है, लार्जेस्ट है या सेकेंड लार्जेस्ट कुछ ही पूछ सकते हैं एशिया में, तो आपको पता होना चाहिए। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ का बायोस्फीयर रिजर्व है? तो बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा का है, टाइगर रिजर्व इसको बना दिया गया था 1956 में, 1994 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व कैटेगराइज कर दिया था, 2009 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज इसका वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंडर कैटेगराइज किया था। इट इज़ द पार्ट ऑफ सिमलीपाल कुलदीहा हदगढ़ नेशनल रिजर्व पॉपुलरली नोन एज मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व का ये बेसिकली पार्ट है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। दो इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स यहाँ पे मिलती हैं आपको, एरंगा खरियाज एंड मनकीर दास, दे इनहेबिट द फॉरेस्ट एंड प्रैक्टिस द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। दोनों की दोनों ट्राइब्स जो यहाँ पे पाई जाती है दोनों का आपको नाम पता होना चाहिए, दो तरीके से पूछा जा सकता है, पहला ये ट्राइब कहाँ की है पाई जा सकती है, दूसरा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के बारे में डेफिनेटली पूछा जा सकता है कहाँ पे है या इसको कब कब इसको कौन सी कैटेगरी में इसको रखा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्टली दीज क्वेश्चंस कम। शिल्का लेक की बात करते हैं, इट इज द एशियाज लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लैगून, एशिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लैगून है। इंपॉर्टेंट आइलैंड जो यहाँ पे पाए जाते हैं नलबाना कलीजल समोलो हनीमून आइलैंड ब्रेकफास्ट बर्ड एंड रजहंसा इनहेबिटेड बाय द फिशरमैन फैमिलीज एंड पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज इंडियाज ओल्डेस्ट रामसार साइट, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड डेफिनेटली नोइंग। देखो शुभ्रा, दिस इज द पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट क्लास जो आपको हम पढ़ाते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, नेशनल पार्क क्या है, टाइगर रिजर्व क्या है, एंड मल्टी बोटानिकल गार्डन्स क्या होते हैं एक्सेट्रा, देन आई एम डीलिंग विद द करंट अफेयर्स इन दैट रिगार्ड, तो उसके कंटेक्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है या नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होता है, कौन डेजिग्नेट करता है, सेंटर का क्या पावर है, स्टेट की क्या पावर है, अगर कुछ राइट सेल ऑफ करने हैं तो क्या पावर है, विलेज के पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, मल्टीपल थिंग्स हैज टू बी डन। नलबना वर्ल्ड सेंचुरी एंड मंगला जोड़ी आर द टू इम्पॉर्टेंट प्लेसेस वेयर द वर्ल्ड्स दे कॉन्क्रीट, एक तो नलबना वर्ल्ड सेंचुरी और मंगला जोड़ी यहाँ पे दोनों को दोनों पूछा जा सकता है कहाँ पे है, इन द पार्ट ऑफ ओडिशा पार्ट ऑफ चिल्का लेक दैट हैज बीन फाउंड। नलबना आइलैंड विद इन चिल्का लेक इज नोटिफाइड द वर्ल्ड सेंचुरी अंडर द WPA वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इन दैट रिगार्ड आपको पूछा जा डायरेक्टली। असोला बट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सदर्न दिल्ली रेंज में है, अरावली रेंज है, इट वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे है, असोला बट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सदर्न दिल्ली वाले रीजन में है। बेंजीन, ऐसे क्वेश्चन भी कई बार आते हैं बेंजीन के बारे में, या किस पोल्यूशन में है ये प्रोडक्ट, कहाँ से पाया जाता है, किसका आउट प्रोडक्ट होता है एक्सेट्रा, ऐसे या जब पोल्यूशन होता है तो किस किस रिसोर्स से होता है, ये नेचुरल है या मैन मेड एक्सेट्रा, ऐसे क्वेश्चन कंपेरेटिवली बहुत बार UPSC पूछा जाता है। बेंजीन, बेंजीन इज कलरलेस फ्लेमलेस लिक्विड एंड द स्वीट ऑर्डर, रंग नहीं होता इसका, एक फ्लेमलेस है एंड एक मीठी सी खुशबू होती है, एवेपोरेट्स क्विकली व्हेन इट इज एक्सपोज, जैसे ही एक्सपोज होता है एकदम एवेपोरेट हो जाता है। इट इज़ फॉर्म्ड बाई बोथ नेचुरल प्रोसेस से भी हो जाता है और ह्यूमन एक्टिविटी से भी कंपेरेटिवली फॉर्म होता है। नेचुरल प्रोसेस दे इंक्लूड वॉल्केनोज और फॉरेस्ट फायर, यहाँ से हो सकता है, वहाँ से भी आपको बेंजीन प्रोड्यूस होने के चांसेस हो जाते हैं। नेचुरल पार्ट ऑफ द क्रूड ऑयल भी हो सकता है, सिगरेट स्मोकिंग से हो सकता है, गैसोलीन से भी हो सकता है, काफ़ी इंडस्ट्रियल केमिकल में यूज़ किया जाता है। इट इज़ फाउंड इन क्रूड ऑयल एंड मेजर पार्ट ऑफ द गैसोलीन ऑल्सो, वहाँ पर भी आपको बेंजीन को मात्रा देखने को मिलता है। बेंजीन और किसके लिए यूज़ होता है? इट इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर टू मेक प्लास्टिक्स, रेजिन्स के लिए, सिंथेटिक फाइबर के लिए, रबर ल्यूब्रिकेंट्स के लिए, डाइज, डिटर्जेंट्स, ड्रग्स, पेस्टिसाइड,
इन सब में बेंजीन का यूज होता है। ऐसे क्वेश्चन आप उठा के पेपर उठा के देखोगे 2015 से लेके 20 तक बहुत बार आए होंगे। बेंजीन नॉर्मली ग्लूज में होता है, एडहेसिव्स में, क्लीनिंग प्रोडक्ट में आपको मिल जाएगा, पेंट में मिल जाएगा, टोबैको स्मोक में मिल जाएगा, गैसोलीन में, वहाँ पे आपको हर जगह पे बेंजीन का प्रेजेंस देखने को मिला है। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको बुक्स में नॉर्मली जो भी हम अभी भी कर रहे हैं इसमें काफ़ी मटेरियल आपको बुक्स में देखने को नहीं मिलता है। करंट अफेयर में होता है, उसके बाद हमें लगता है पता नहीं यूपीएससी ने कहाँ से पूछ लिया है, बट ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली आते ही आते हैं। ऐसे क्वेश्चन अगर आप कर पाओगे तो डेफिनेटली जो करने वाले स्टूडेंट्स हैं ना बहुत कम होते हैं। मैं बहुत बार बोलता हूँ इज वन थिंग, काफ़ी बार आपने सुना होगा मेरे मुंह से, 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, 5 लाख बच्चे पेपर देते हैं, 10 से 12 हज़ार प्री क्लियर करते हैं और आप ऐसा लगा लो 4 लाख 90 हज़ार प्री क्लियर नहीं करते। मजॉरिटी इनकी है, अगर इनकी मजॉरिटी है तो मतलब कुछ बच्चे ही हैं जो सीरियस हैं यूपीएससी के लिए, यही हो गया इसका मतलब। तो बहुत कम बच्चे सीरियस है, मैं मानता हूँ कि 25, 30, 40 हज़ार, 35 हज़ार या मैक्सिमम 45 हज़ार, दीज आर द सीरियस स्टूडेंट्स। और कंपटीशन बेसिकली इन बच्चों के बीच ही है, वो 40 हज़ार के आसपास बच्चे हैं जहां पे कंपटीशन ज्यादा है, मतलब जो सीरियसली पढ़ रहे हैं। 40 हज़ार है तो 10-12 हज़ार का निकल जाता है, बाकी रह जाते हैं। क्यों? कभी आपकी किस्मत अच्छी है, कभी आपकी किस्मत बुरी है, कभी जिसने सीरियस बच्चों ने जिसने ज़्यादा रिवाइज कर दिया थोड़ा सा उसका क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली क्लियर हो जाएगा, टू द पॉइंट जैसे हम करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं वैसे आप करके जाओगे क्लियर हो जाएगा। तो कॉम्पिटिशन इतना है, बाकी तो सब ऐसे ही पढ़ रहे हैं, चलो हम भी आई एस की तैयारी कर रहे हैं और क्या बोलेंगे। हाँ जी वेदांश मिला, तो ट्राई टू बी इन दिस जोन इनिशियल फेज में, उसके बाद आगे आगे मूव करना है। तो ये वाले जो लोग होते हैं ना, ये वो लोग होते हैं जो जिंदगी से असंतुष्ट होते हैं, हमेशा नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। टुडे इन द मॉर्निंग आई वॉज टेकिंग अप अ क्लास, तो कुछ बच्चों लगता है, हमें लगता है, रियलिटी नहीं होती, कि यूपीएससी हिंदी मीडियम में भेदभाव करती है। अरे क्यों करेगी भेदभाव यार, कुछ नहीं ऐसा होता, कुछ भेदभाव नहीं है यूपीएससी का। कोई यूपीएससी को हिंदी मीडियम, पंजाबी मीडियम, मलयालम मीडियम, इंग्लिश मीडियम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रीलिम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेंस में कोई नहीं है, इंटरव्यू में कोई नहीं है। ये सब एक भ्रम फैलाया गया है कि हिंदी मीडियम में सिलेक्शन नहीं होती। अगर आप लिख कर आओगे पेपर में जो पॉइंट्स रिक्वायर्ड है, वो क्यों नहीं देगा नंबर आपको? कौन सा दुश्मनी है उसके यार आपके साथ, जब वो जान पहचानता है, एक्सेट्रा कुछ नहीं है ऐसा, तो कोई दुश्मनी नहीं है। अगर पॉइंट लिखोगे नंबर मिलेंगे ही नहीं मिलेंगे, अगर पॉइंट ही नहीं लिखोगे और फिर बोलोगे यूपीएससी वाले डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आपके मन का भ्रम है। जितनी जल्दी उस भ्रम को तोड़ के बाहर निकलाओगे, यूपीएससी सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर यही सोचते रहोगे नहीं यार हिंदी मीडियम में सिलेक्शन नहीं होती, तो हिंदी मीडियम में तैयारी क्यों करते हो? तैयारी इसलिए करने लगती हो ना कि सिलेक्शन हो जाए, या तैयारी इसलिए करने लगती हो कि सिलेक्शन नहीं होगी? इस बात को समझो, यूपीएससी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हम में है, हम तैयारी सही तरीके से नहीं करते, इस वजह से प्रॉब्लम है। अगर इस प्रॉब्लम से बाहर निकलाए, टू द पॉइंट पढ़ने लग जाओगे, तो कंपेरेटिवली आसान रहेगा यूपीएससी क्लियर करना। चलो जी आगे मूव करते हैं। वैनाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कहाँ किसका पार्ट है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। कहाँ पे है? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, तीनों की तीनों स्टेट में स्प्रेड है, ध्यान से देखो। इट इज़ द होम टू द लास्ट ऑफ द सर्वाइविंग वल्चर्स इन इंडिया, काफ़ी ट्राइब्स यहाँ पे पाई जाती है, कुरुमर, पनियार, कुतैकन, यूराली, बनंदन, अडियार, कुरेचियार, कदार, दीज आर द इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स दैट आर फाउंड इन दिस रीजन। यहाँ पे वैनाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस रीजन में आपको पाई जाती है। ग्लाथिया बे सेंचुरी, पार्ट ऑफ द ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है,
कंप्राइजिंग ऑफ द ग्लाथिया नेशनल पार्क एंड कैंपबेल बे नेशनल पार्क, दोनों के दोनों आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पे पाए जाते हैं। दे आर फाउंड बेसिकली इन द रीजन ऑफ द ग्रेट निकोबार आइलैंड। फौना यहाँ पे कौन सा पाया जाता है, रेयर एंड एंडेमिक वंस, फॉर एग्जाम्पल निकोबार वाइल्ड डॉग, निकोबार ट्री श्रू, ग्रेट निकोबार क्रेसेंट सर्पेंट ईगल, निकोबार पैराडाइज फ्लाई कैचर, निकोबार मेगा पोर्ट्स, दीज आर द डिफरेंट फौनाज दैट आर फाउंड इन दिस रीजन। हाँ जी नमस्कार, इस बार पैलेस्टीन इसराइल के रिलेटेड क्वेश्चन आए प्री और मेंस में क्या, अरे कोई चक्कर नहीं आ जाने दो। होम टू इंडिजिनियस शॉम्पेन कम्युनिटी दैट इज देयर। देखो आप अभी तैयारी कर रहे हो इसलिए आपको लग रहा है कि पैलेस्टीन वालों ने वहाँ पे कर दिया, इन्होंने यहाँ कर दिया, तो इसराइल पैलेस्टीन इशू बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ तो यूट्यूब बाबा की कृपा हो जाती है, अब जब भी टक टक करके कुछ खोलते हो तो इसराइल पैलेस्टीन। नहीं यार ऐसा नहीं होता दोस्त, अगर हम भी करवाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करवाएंगे, हम पर वर्ल्ड हिस्ट्री के पार्ट से करवाएंगे। नॉर्मली इसराइल पैलेस्टीन, हम कौन सा इसराइल का आई एस डिग्री का पेपर दे रहे हैं, हम जहाँ पैलेस्टीन का दे रहे हैं, हम दे रहे हैं यूपीएससी का। तो यूपीएससी इंडिया एंड इट्स नेबर्स एंड इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स दैट आर टेकिंग प्लेस, तो वहाँ पे इसराइल पैलेस्टीन के बारे में नहीं पूछेंगे, वेस्ट एशिया पूछ सकते हैं। अगर इसराइल और पैलेस्टीन का मुद्दा पूछा तो वर्ल्ड हिस्ट्री के पार्ट में वो पूछा जाएगा, वो एक अलग से टॉपिक है, वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है, वर्ल्ड हिस्ट्री के पार्ट में वेरी कम आया जाता है। आप इसलिए बिकॉज अभी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपको लगता है पता नहीं बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, हम काफ़ी टाइम से इस फील्ड में हैं, ऐसी 50 डेवलपमेंट होती रहती है, यूपीएससी इज लीस्ट कंसर्न, कोई फर्क नहीं पड़ता यूपीएससी को, कहीं ना कहीं तो लड़ाई होती रहेगी ना, ऐसे थोड़ा सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है। वेस्ट एशिया इंडिया रिलेशंस कैन बी इंपॉर्टेंट, जब वर्ल्ड हिस्ट्री में क्वेश्चन कंपेरेटिवली पूछा जा सकता है वो बात अलग है, वो सिलेबस का पार्ट है हमारा। मनकीदास एंड खडियास पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, कहाँ का, उड़ीसा वाले रीजन का। वेनलॉक डाउन्स रिजर्व फॉरेस्ट, नाउ बेसिकली एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, एक रास्ता दिया जाएगा कॉरिडोर के कंटेक्स्ट में, कैसे है, दैट अलाउज द वाइल्ड लाइफ फ्रॉम द सिगूर प्लेट्यू टू मेक देयर वे बेसिकली टू द अपर नीलगिरी। सिग्यूर प्लेट्यू कहाँ पे है, इज इन द नीलगिरी हिल्स ऑफ द तमिलनाडु, वहाँ से लेके वो कॉरिडोर सा प्रोवाइड किया जाएगा, अपर एरिया अपर नीलगिरी वाले पार्ट में जाएंगे। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिमेनिंग पैचेज ऑफ द शोला फॉरेस्ट टाइप पाए जाते हैं, ग्रास लैंड्स इन द एंटायर नीलगिरी एंड अदर मुकुर्ती नेशनल पार्क में, वहाँ पर शोला फॉरेस्ट और ग्रास लैंड कंपेरेटिवली वहाँ पर पाए जाते हैं। जब आपको जोग्राफी वाला पोर्शन करवाया जाएगा वहाँ पर अलग अलग टाइप ऑफ फॉरेस्ट करवाए जाएंगे, ग्रास लैंड्स करवाए जाएंगे, तो वहाँ पर शोला फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं स्पेसिफिकली वहाँ पर आपको करवाया ही जाता है, उसका पार्ट होता है ये। वेनलॉक डाउन रिजर्व फॉरेस्ट नॉर्मली बुक्स में नहीं देखने को मिलता, लेकिन ये करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट है इसलिए पूछा जा सकता है। पक्कल डुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट प्रपोज्ड ऑन मुरुसदार रिवर विच इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर चिनाब इन द रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कौन सी रिवर है, मुरुसदार रिवर में प्रपोज किया गया है, ट्रिब्यूटरी है कौन सी रिवर की, इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर चिनाब, और कहाँ पे है, इन द जम्मू एंड कश्मीर रीजन में, पक्कल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। नेक्स्ट इज महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, उड़ीसा की गवर्नमेंट ने रिसेंटली इसको प्रपोज किया है, एक ट्रांजिशनल जोन बनेगा किसके लिए, बिटवीन द हिमालयन रीजन दैट इज देयर और द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री दैट इज देयर, उसके बीच में ट्रांजिशन जोन बनेगा। इट इज इनहेबिटेड बाई कौन सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाई अ सौरा ट्राइब एक है और कंडा ट्राइब, ये दो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है जो महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में रहती हैं। महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है ये पूछा जा सकता है, ये ट्राइब कहाँ की है ये भी पूछा जा सकता है, और इन दोनों ट्राइब में जो सौरा ट्राइब है दैट इज बेसिकली प्रिमिटिवली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, तो इसको कंपेरेटिवली हमें कैटेगराइज किया जाता है। आफ्टर सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ये दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व होगा जो उड़ीसा में है, कौन सा, महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो रिसेंटली अभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने इसको प्रपोज किया है बायोस्फीयर रिजर्व के लिए। पहला कौन सा था, सिमलीपाल, जिसके बारे में हम अभी कर चुके हैं। नेक्स्ट इज पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट इज नेशनल वेटलैंड रामसर साइट है, ऑल्सो नोन एज ब्यास डैम, क्यों, बिकॉज ये ब्यास रिवर के ऊपर सिचुएटेड है।
कौन सा फॉरेस्ट यहाँ पे पाया जाता है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इस रीजन में कंपेरेटिवली आपको देखने को मिलती है। नॉट ऑल दिस माइग्रेटरी बर्ड आते हैं हिंदू कुश वाले रीजन से एंड फ्रॉम सर्बिया आते हैं यहाँ पे विंटर के टाइम पे। माइग्रेटरी बर्ड्स कौन से रीजन से आते हैं, हिंदू कुश वाला जो रीजन है और साइबेरिया वाला जो रीजन है वहाँ से कुछ बर्ड्स विंटर के टाइम पे आते हैं। इज इट क्लियर टू एवरी वन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नेटवर्क नहीं है हमारा यहाँ। ओके राजेश, ओके ठीक है जी, नमस्कार। हाँ कहीं ना कभी थोड़ा सा देश में रहता है नेटवर्क का प्रॉब्लम। चलो द नेक्स्ट इज अर्थ आवर 2021। ये ऑलरेडी यूपीएससी पूछा जा चुका है, ऐसे सिंपल से क्वेश्चन होते हैं जो। कौन ऑर्गेनाइज करता है, वर्ल्ड वाइड फंड ऑर्गेनाइज करता है। मार्च में क्या होता है, एंड ऑफ द मार्च में एक घंटा 8:30 से लेकर 9:30 तक लाइट्स बंद कर दी जाती है। सिडनी से शुरू किया था और फिर अब अलग अलग जगह पे भी होने लगते हैं। मिलेट्स के बारे में न्यूज़पेपर में आया था। अच्छा, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मिलेट इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है मिलेट के कंटेक्स्ट में, इंडिया है। ये ग्लूटेन फ्री होता है, इसमें ग्लूटेन आपको नहीं पाया जाता। एंड जो पीपल डायबिटीज से सफर कर रहे हैं उनके लिए मिलेट्स, बिकॉज ग्लूटेन फ्री होता है इसके लिए मिलेट्स काफी यूजफुल है। हाँ जी बिल्कुल वॉइड सही है बोला आपने। एंटी कार्सिनोजेनिक फूड है ये एंड हाइपर एंटी हाइपर टेंसिव भी होता है। इन्फ्लेमेशन को कम कर देता है और आपके डाइजेशन को कंपेरेटिवली बढ़ा देता है। क्रॉप सिक्वेस्टर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेके आते हैं उसको भी कम कर देते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। व्हाइल द पैडी फील्ड एमिट्स मिथेन जो कंपेरेटिव ग्रीन हाउस गैस है। पैडी फील्ड तो मिथेन्स एमिट करता है लेकिन जो मिलेट क्रॉप जहाँ जहाँ पे लगी हुई कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी होता है जिसकी वजह से कंपेरेटिवली हमें पोल्यूशन को कंट्रोल करने में कामयाब भी होता है। देर ऑल्सो कॉल्ड एज अ फेमीन रिजर्व भी इनको बोला जाता है एज दे हैव शॉर्ट ग्रोइंग सीजन। कितना सिर्फ 65 में है कि अगर फेमीन आता तो फेमीन रिजर्व है, कंपेरेटिवली कम बारिश वाले रीजन में भी हो जाता है और जल्दी भी कंपेरेटिवली, ये 65 डेज में 2 महीने में होता है। एरिया सबसे ज़्यादा कहाँ पे है मिलेट्स, एरिया राजस्थान, दूसरी स्टेट है महाराष्ट्र, इसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तीसरी स्टेट जहाँ पे सबसे ज़्यादा एरिया अंडर है मिलेट्स कर्नाटका। तो राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक, इन तीनों की तीनों स्टेट्स का आपको ऑर्डर पता होना चाहिए कि मिलेट्स कहाँ पे ज़्यादा है और कहाँ पे एरिया कम है कंपेरेटिवली। सिमिली फॉर टाइगर रिजर्व हम ऑलरेडी कर चुके। चलो नेशनल पार्क भीतरकनिका नेशनल पार्क है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, बद्रमा। चिल्का कहाँ पे है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नलंबन आइलैंड में। हदगढ़, विसाईपल्ली एंड अदर्स आर देयर। इसमें से आपको लखाड़ी वल्ले एंड गहिरमट्टा मैरीन आइलैंड पे वहाँ पे आपको देखने को मिलती है अलग अलग जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। मैत्री सेतु बेसिकली बनाया गया है कौन सी रिवर के ऊपर, ब्रिज बनाया गया है फेनी रिवर के ऊपर। फेनी रिवर कहाँ पे फ्लो करती है, बेसिकली इन बिटवीन इंडिया और बांग्लादेश, और इंडिया वाले कौन से रीजन है, त्रिपुरा वाले रीजन में रिवर फेनी वहाँ पे कंपेरेटिवली फ्लो करती है। आपको पता होना चाहिए मैत्री सेतु कौन से रिवर पे है, फेनी रिवर पे। फेनी रिवर किसके बीच बाउंड्री बनाती है, इंडिया और बांग्लादेश में। इंडिया की कौन सी स्टेट यहाँ पे आ जाती है, इट इज बेसिकली त्रिपुरा स्टेट विच इज अ पार्ट ऑफ इट। नेक्स्ट लिंगडा मुखी मक्की डैम कहाँ कौन से रिवर पे है, शरावती रिवर कर्नाटका वाले रीजन में आपको लिंगडा मक्की डैम देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज राम गुंडम सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है, कंट्रीज का बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है। कैपेसिटी कितनी है, 100 मेगावाट पे है। कहाँ पे बनाया गया है, इट इज लोकेटेड इन द रीजन ऑफ तेलंगाना। डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहाँ पे है ये तेलंगाना में, कितनी कैपेसिटी है, इतना बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ पे है तेलंगाना रीजन।
नेक्स्ट साइट्स या वाशिंगटन कंसेंसस भी इनको कंपैरेटिवली बोला जाता है। एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है 1975 में साइन किया गया था, किसके लिए? टू एनश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ एंड वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। जब इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है वाइल्ड एनिमल्स में और प्लांट में, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनका सर्वाइवल ही इफेक्ट हो जाए। इस उनके सर्वाइवल को और इंटरनेशनल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ एनिमल एंड प्लांट को रोकने के लिए 1975 में वाशिंगटन कंसेंसस के अंडर साइट्स बनाया गया था। 183 है मेंबर्स हैं, लीगली बाइंडिंग जो जो स्टेट इसकी पार्टी है, और उसके कंटेक्स्ट में डोमेस्टिक लेजिस्लेशन भी आपको बनाने पड़ते हैं कि आप इंटरनेशनल लेवल पे तो कमिट कर रहे हैं, उसके साथ ही आपको आपको नेशनल लेवल के ऊपर भी कोई ना कोई लॉ बनाना पड़ेगा। किसके लिए? सो दैट आप उसको इंडिया के लेवल के ऊपर भी रोका जा सके। अपेंडिक्स वन में क्या है? विक्की कहां चला गया? ये साइट्स के अंडर अपेंडिक्स वन इट इंक्लूड्स दोज स्पीशीज विच आर कंपेटिबली थ्रेटन्ड विद एक्सटेंशन, जिसको फॉर एग्जांपल थ्रेट है कि कभी भी खत्म हो सकते हैं। द ट्रेड इन दीज स्पीशीज इज परमिटेड ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। कि अगर अपेंडिक्स वन में किसी को रखा गया है, कौन से किसको रखा जाएगा? जिसको थ्रेट है एक्सटेंशन का खत्म होने का, ऐसे को ट्रेड सिर्फ तभी अलाउ किया जाता है अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस हो, तो असाधारण परिस्थितियां हो, तभी इसको कंपेटिवली कर पाएगा। अपेंडिक्स टू में इंक्लूड्स नॉट नेसेसरी थ्रेटन्ड विद एक्सटेंशन, ऐसी स्पीशीज को इंक्लूड करेंगे जिसको ऐसा नहीं कि थ्रेटन्ड हो, खत्म ही हो जाएंगे, बट खत्म होने की बात पर नहीं है, बट ऑन द अदर हैंड देयर ट्रेड मस्ट बी कंट्रोल्ड इन ऑर्डर टू अवॉइड यूटिलाइजेशन इनकम्पेटिबल विद देयर सर्वाइवल। लेकिन खत्म होने की तादार पे नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको एक खुला ट्रेड करने का मौका दे दिया जाए, तो आपको अपेंडिक्स टू में कंपेटिवली ऐसे स्पीशीज को रखा जाएगा। अपेंडिक्स थ्री में एक ऐसे स्पीशीज होते हैं जो किसी ना किसी कंट्री में प्रोटेक्टेड होते हैं, दे आर प्रोटेक्टेड एटलीस्ट इन वन कंट्री विच हैज आस्क्ड द साइट्स पार्टीज फॉर असिस्टेंस इन कंट्रोलिंग ट्रेड। एक कंट्री में वो प्रोटेक्ट किए जाते हैं, जिसके बाद वो साइट्स को बोलता है कि आप दूसरी कंट्रीज को भी बोलो कि इसमें ट्रेड रोका जाए, इसमें ट्रेड ना हो, ताकि अगर हमारी कंट्री में आज एक्सटिंक्शन की प्रॉब्लम आ रही है, कल को किसी और को भी स्पीशीज को एक्सटिंक्शन किया है। तो तीनों के तीनों हैं। पहला है जहां आपको रेयर सर्कमस्टांस में कर देते हैं, खत्म हो सकते हैं, दूसरा खत्म होने की बात तो नहीं है लेकिन उनके सर्वाइवल कॉन्टिन्यू बढ़िया तरीके चलता रहे वहां पे है। तीसरे अपेंडिक्स में क्या आएगा? वैसे स्पीशीज में वैसे कोई रोक टोक नहीं है, बट ऑन दी अदर हैंड अगर एक कंट्री में प्रोटेक्टेड है, उसको रोका प्रोटेक्शन करी जा रही है, दूसरी कंट्रीज भी साइट्स के थ्रू उसको असिस्ट करेंगी प्रोटेक्शन के लिए। वर्ल्ड्स हाईएस्ट मिलिट्री ब्रिज कहाँ पे है? बींग कंस्ट्रक्टेड और रिवर चिनाब कहाँ पे? जम्मू एंड में चिनाब नदी के ऊपर इसको कंपेटिवली बनाया जा रहा है। तेउ रिवर बाउंड्री इंडिया और म्यांमार में बनाती है, और इंडिया में कौन सी स्टेट है? बेसिकली मिजोरम स्टेट के कंटेक्स्ट में, तो वहां पे तेउ रिवर आपको कहाँ पे है? मिजोरम में है, इंडिया और म्यांमार की स्टेट में बाउंड्री बनाती है। चामुंडी हिल्स कहाँ पे है? मैसूर वाले रीजन में, कर्नाटका वाले रीजन में आपको चामुंडी हिल्स वहां पे देखने को मिलती है। डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड।
अभी फ्रेंड्स एनवायरनमेंट वाले मार्च में यही क्वेश्चन यही टॉपिक थे जो कंपेटिटिव न्यूज़ में थे, एनवायरनमेंट वाले पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फ्रेंड्स एट 4 PM आई वुड बी टेकिंग अप दिस क्लास, इसमें आपको बताया जाएगा कि आंसर राइटिंग के बारे में अलग अलग टॉपिक्स हैं मेन्स आंसर राइटिंग में जो अभी हम फोकस कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज द राइट टाइम। अब आप ऑप्शनल करने के लिए अभी बिल्कुल सही टाइम है, आप ऑप्शनल के लिए आंसर राइटिंग करें जो जो आपका ऑप्शनल है। इनिशियल में हम 3 ऑप्शनल से स्टार्ट कर रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड PSIR पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन, और जल्दी ही 1-2 दिन में ही अलग अलग सब्जेक्ट्स में और भी जल्दी ही शुरू कर देंगे। तो इसके लिए 4 बजे क्लास है, आप डेफिनेटली अपने आप को एनरोल कर सकते हैं आंसर राइटिंग फॉर हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन के लिए और GS के लिए भी। सबके सब शुरू हो जाएगा और स्टार्ट हो रहा है 20 मई से, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली आपको करवाया जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि सबको समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड यू कैन डेफिनेटली अटेंड द क्लास एट 4 PM फॉर टू नो मोर अबाउट द हिस्ट्री कोर्सेज। मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है जी सर, सेल्फ से IAS बनना है, एक सही मार्क बता दीजिए ताकि। बस कॉन्टिन्यूसली यार हार्ड वर्क करते रहो, पढ़ते रहो, आंसर राइटिंग करते रहो, प्रैक्टिस क्वेश्चन करते रहो, स्टैंडर्ड बुक्स तो सबको बताई है, उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है कुछ ऐसे कि आपको स्टैंडर्ड बुक्स कुछ बताएंगे। ओके फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।